मिस्त्री, ए मिस्त्री, व्हाट्सएप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो आज का व्लॉग इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज मैंने अपनी बाइक की सर्विस कराई थी तो जिस हिसाब से मैं परफॉर्मेंस चाहिए थी वो मिल नहीं रही थी, तो मैंने कुछ मंगाया है बाइक के लिए। चलते हैं, जब तक सेलिब्रेटिंग एंजॉय करो और वीडियो को एंड तक देखना। सिनेमेटिक कैसे लगे, सिनेमेटिक अच्छे लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, सब्सक्राइब तो कर ही देना यार। बाकी का जो मंगाया है वो ये है, लिक्की मोली का इंजन ऑयल, फुली सिंथेटिक है, स्ट्रीट रेस 10W40 है, बिकॉज मेरी एक बाइक में 10W40 ही डलेगा। 10W वो यार कितनी सर्दी है, इसकी सीरम कितना क्या है ये सब मेंशन करता है। मेड इन जर्मनी है, पॉज करके पढ़ लेना सब कुछ यार, इतना लंबा वीडियो नहीं करूँगा। बाकी का ये है कि यार मतलब एक्सक्लूसिव है, मोटो जीवी वाले जितने भी मतलब बाइक्स होते हैं सब स्पॉन्सर करते हैं ऐसे। बाकी का पीछे का देख लो एक बार, तो मैंने सोचा एक बार डलवा के देखते हैं, परफॉर्मेंस देखते हैं कैसी क्या है इसकी। वो तो यार अभी नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि जब डलवा लूँगा चेक कर लूँगा सब कुछ उसके बाद ही, लेकिन जितना कुछ सुना है इसके बारे में बेस्ट है। सब कुछ लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो पॉज करके। और इससे पहले हम एक चीज़ डलवाने वाले हैं इंजन में, वो दिखाता हूँ। इसे बोलते हैं इंजन फ्लश, देखो लिखा हुआ है ऑल सर्कुलेट फ्लश एंड क्लीन इंजन फ्लश शूटर। इसे मतलब क्या होता है, जो भी मतलब इंजन में जो गंदगी जमती है, हम काफ़ी टाइप का इंजन ऑयल डलवा लेते हैं, मतलब इतना जल्दी इसे यूज़ नहीं करते। जैसे 3 साल हो जाती है आपकी बाइक को, 3 साल 4 साल आपको लगता है कि बहुत हार्श चल रही है, बहुत रफ चल रही है, तो इसको डलवा लो एक बार, सीरियसली बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आती है। लिक्की मोली ही इसे बनाता है, ये लिखा भी हुआ है लिक्की मोली मोटर बाइक। सबसे पहले ये डलेगा, उसके बाद इंजन फ्लश होगा हमारा, इंजन फ्लश होने के बाद इंजन ऑयल डलेगा। और एक चीज़ और है वो दिखाता हूँ आपको, और लिक्की मोली का ATADTU शूटर फ्यूल सिस्टम क्लीनर, मतलब ये डलता है पेट्रोल जो टैंक होता है उसके अंदर डलता है। आपकी बाइक में कम से कम 9 से 10 लीटर पेट्रोल होना चाहिए तभी जाके इसका असर होगा। ऐसा नहीं कि मतलब गाड़ी में 1-2 लीटर पेट्रोल आप इसको डाल देते हो यार, कोई फ़ायदा नहीं है ना, फिर तो सूखा सूखा जाएगा। जितने भी छोटे छोटे होल्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, उस सब में जाके पूरा क्लीन कर देता है ये, आप जहाँ तक आपका पेट्रोल इंजन तक ईजिली पहुँच सके। बाकी का पॉज करके पढ़ लो जो कुछ भी है, इतना लंबा वीडियो नहीं करने वाला यार। तो बस अभी के लिए यही सब मैंने मंगाया हुआ था, बस जाते हैं सर्विस कराते हैं, कैसा क्या परफॉर्मेंस आती है बताते हैं आपको, मिलते हैं रास्ते में। अभी सर्विस स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डालते हैं इंजन फ्लश, सर्विस कर रहे हैं विशाल भाई तुषार अभी है नहीं, पहले इंजन फ्लश डालते हैं उसके बाद देखते हैं। एक एक बूंद काम की इसकी भाई, बहुत जरूरी होता है ये, अगर आपकी बाइक को 2 साल से 3 साल हो जाते हैं तो एक बार करना जरूरी है। वापस से बंद करना है और अपनी बाइक को 10 से 15 मिनट ऑन करना है। सो अभी बाइक को स्टार्ट करना है 10 से 15 मिनट के लिए। मिलते हैं 15 मिनट के बाद। गाड़ी देखो कितनी वाइब्रेट हो रही है, ये देखो ये डाला है,
अभी इंजन ऑयल निकाल रहे हैं, जो कुछ प्योरीफाई होना था हो गया। फिल्टर साफ कर दो। कौन सा फिल्टर? ये नहीं डालेगा अबे यार, नहीं हो जाएगा, ये सारे साफ हो जाएगा। नहीं नया रखा है, तो बाद में डलवा देंगे, जब तक इसको साफ करवा लो, वरना ऑयल डालोगे हाँ तो गंदगी हो जाएगी। फाइनली लुकी मोरी डलने जा रहा हूँ, डाल कौन रहा है पिला रहे हो? 80,000 के शूज है, 80,000 के। सो मिस्त्री साहब, आपकी कौन सी सर्विस है ये? मैं इंजन ऑयल डाल रहा हूँ, इंजन ऑयल डालने के बाद 80,000 रुपये लेता हूँ। 80,000 रुपये भाई सबसे महंगा मिस्त्री। इसमें तो गाड़ी जाएंगे, इसमें तो गाड़ी जाएंगे, इसमें पूरा घर चला जाएगा, गाड़ी चला जाएगा सर इसमें। अंदर अंदर मत करो उसको, उसको अंदर की तरफ मत करना, मतलब अंदर की तरफ मत करना, है ना? इसी चीज के तो पैसे हैं, लिक्की मोली तभी तो है। 10-14 आप कोई सा भी लाओ, इतना स्मूथ मिलेगा, 10-14 मिलेगा, इतना ही मिलता है यार। तुम मॉड्यूल का डालो, मेगा ही फर्क है। मॉड्यूल का मत डालो यार, एचपी का डालो, एचपी जैसा। सो अभी लिक्की मोली डलवा के थोड़ा परफॉर्मेंस टेस्ट किया था। सीरियसली सचिन भाई बैठे हैं पीछे, पूछवाऊंगा अभी। मैंने नहीं चलाई थी, 157 टच कर गई थी भाई। 157 बहुत होती है भाई 155 सीसी सेगमेंट की बाइक के लिए। बाकी का देखते हैं अभी कैसा क्या रिजल्ट आता है, लेकिन आई होप कि मतलब अच्छा ही होगा सब कुछ। जैसे 157 टच की है, उस हिसाब से लिक्की मोली का परफॉर्मेंस अच्छा है जिस हिसाब से सुना है। मतलब एक तो सबसे अच्छी बात है कि बहुत स्मूथ चल रही है, जो रफ मतलब रफ चल रही थी ना जितनी, मतलब लग रहा था कि किसी चीज़ से खींचवा रहा हूँ या पीछे से धक्का लग रहा है, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। एक तो शांत होकर चल रही है, कोई वाइब्रेशन नहीं आ रहा है। भाई का मेरे हिसाब से, मैं अपना एक ओपिनियन दूं तो बहुत अच्छा है भाई लिक्की मोली, सीरियसली भाई। आप लोग एक बार ट्राई करके देखना कि आपकी बाइक में और किस सीसी की, किस सीमेंट की बाइक है, उसी हिसाब से। बाकी का वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके बताना कि आप लोगों ने कभी लिक्की मोली इससे पहले डलवाया और तो परफॉर्मेंस कैसी मिली आप लोगों को। लेकिन मेरा तो कंफर्म हो गया कि इससे अब आगे जो भी सर्विसेज होंगी लिक्की मोली ही यूज़ करूँगा मैं, बेस्ट है भाई। मतलब खुशी मिलती है जब 157 क्रॉस करके मतलब टच हो जाती है 160। चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।